प्रदेश के लोकसभा चुनाव में इस बार जयपुर शहर से सबसे अधिक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां पर जयपुर समाज से समाजसेवी शोभल सिंह ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी है। प्रत्याशी शोभल सिंह ने बताया कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर के वह मैदान में उतरी हैं, उन्हें महिलाओं का खूब समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर के मैदान में आती हैं, लेकिन जीत के बाद महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पाती। ऐसे में महिलाओं की आवाज बनकर मैदान में उतरी हूं और जीत के बाद समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं पर शोभल सिंह के समाज सेवा के कारण प्रताप सिन्हा राजस्थान ने भी इनका समर्थन देने की बात कही है। जयपुर की बस्तियों में आंगनवाड़ियों के लिए हमने काम किया, 6-7 साल से उसी पे हम लोग लगे रहे। बल्कि ये प्रस्ताव भी मुझे आंगनवाड़ी औरतों ने ही बोला कि आपने जब इतना सब काम किया है तो आप आगे क्यों नहीं उतरते। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं पार्टीज़ के पास नहीं गई, पार्टीज़ के पास मैं ज़रूर गई, बट उन्होंने यही कहा कि भई अभी आप बहुत नए हो, तो अभी नए होने के नाते अब हम आपको कैसे ले सकते हैं। और फिर मुद्दे भी बहुत डिफरेंट थे हमारे, वहाँ पर मुद्दे थोड़े फ़र्क थे, तो फिर यही सोचा गया कि जब मुद्दे खुद के हैं तो फिर खुद ही उस हिसाब से खुद ही उतरा जाए। मुद्दे हमारे महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, सेहत के लिए हैं, सैनिटेशन, यहाँ पे सफाई कहा तो जाता है सफाई करी गई है, लेकिन सफाई के नाम पे मैंने तो नहीं देखा, चाहे वो बनी पार्क जैसी पॉश लोकेलिटी हो, चाहे वो हसनपुरा जैसा क्षेत्र हो जहाँ पे हमने मोस्टली हमारा काम रहा है।